साथियों, कांग्रेस के शासन में दलितों के खिलाफ भी अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। मैं एक सबसे ताजा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हाल में ही देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनका नाम है हीरालाल सामरिया जी। ये दलित मां का बेटा हीरालाल, ये आपके इसी डीग गांव के रहने वाले हैं। ये डीग थोड़े समय पहले तक भरूची, ये हमारे भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति भी पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने रामनाथ कोविंद जी का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आंबेडकर को हमेशा अपमानित किया। कांग्रेस ने दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है, हमारे राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल जी आज देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।